वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। 2019 में कुछ ऐसी फिल्म्स आई, अब चाहे वो हॉलीवुड की हो, टॉलीवुड की हो या फिर कहे वेब सीरीज, जिसके हिट होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ उस फिल्म या वेब सीरीज के कैरेक्टर्स का था। और इंडिया में वो कैरेक्टर्स और भी ज्यादा फेमस हुए उनकी हिंदी डबिंग की वजह से। तो आज मैं लेकर आया हूँ 2019 के टॉप 10 फेमस कैरेक्टर्स और उनके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट। नंबर 10 पर है टॉय स्टोरी 4 में न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कैरेक्टर गैबी। गैबी स्टार्टिंग में ये कैरेक्टर आपको एक विलन टाइप नजर आती है, लेकिन स्टोरी खत्म होते होते उसके स्ट्रेंज बिहेवियर का पता चलता है। इस कैरेक्टर को आप सभी ने बहुत प्यार दिया और साथ ही साथ उसकी हिंदी आवाज सोनल कौशल को भी। हम भी हो सकता है आपकी जवानी और हमारी खूबसूरती एक ही सांचे से बनी हो। क्या बात है, आप अब तक फिट हैं? और हमारे दिल ही नहीं, हमारे वॉइस बॉक्स भी मिलते हैं, वैसे ही दिखाओ इन्हें। अगर आपने इनकी लाइव डबिंग नहीं देखी है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। नंबर 9 पर है एक वॉरियर गर्ल अलीटा। इस साईफाई फ्यूचरिस्टिक एक्शन मूवी में अलीटा एक साइबॉर्ग होती है जिसको खास तौर पर लड़ाई के लिए बनाया गया होता है, पर साथ ही उसमें ह्यूमन इमोशंस भी है। और इस कैरेक्टर को अपनी हिंदी आवाज से सवारा है मिस मुस्कान जाफरी ने। मुझे पता है मेरा दुश्मन कौन है और वो हमें अभी देख रहा है। नंबर 8 पर है किसी और के बॉडी के साथ बॉन्डिंग करके खुद की जिंदगी जीने वाला एक एलियन सिम्बियोट वेनम। कैरेक्टर दमदार है तो आवाज भी दमदार होनी चाहिए, और इस कैरेक्टर को अपनी आवाज दी है बैटमैन और हल्क जैसे कैरेक्टर को हिंदी में फेमस करने वाले मिस्टर समय ठक्कर जी ने। हम तेरे दोनों हाथ और दोनों पैर खा जाएंगे, तेरी खोपड़ी भेजे के साथ खा जाएंगे। थैनोस ने चुटकी बजा के बहुत से एवेंजर्स को मार दिया था और उनमें स्पाइडरमैन भी था, पर एंड गेम में वापस आने के बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन का किरदार बहुत ज्यादा पसंद किया गया। सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस होने के बाद होमकमिंग छोड़ दे तो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से वैभव ही स्पाइडरमैन की हिंदी ऑफिशियल वॉइस बने हुए है। ये काम तो किसी बड़े सुपर हीरो का है, वैसे भी मैं तो बस फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन हूं सर। नंबर 6 पर है थैनोस। जब इन्फिनिटी वॉर आई थी तब 2018 में थैनोस भाई सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कैरेक्टर बन गए थे, और अपना दबदबा इन्होंने 2019 में भी कायम रखा। व्यूवर्स भी एंड गेम का काफी ज्यादा वेट कर रहे थे कि आखिर अब ये थैनोस क्या करेगा, और इस दमदार कैरेक्टर को अपनी दमदार आवाज से नवाजा और हिंदी ऑडियंस में फेमस किया मिस्टर नीनाद कामत जी ने। मैं वो अनहोनी हूं जिसको कोई टाल नहीं सकता। जब बात हॉरर की आती है, स्पेशली फ्रॉम हॉलीवुड, तब आपके सामने आता है एक क्लाउन पेनीवाइज। हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर मूवी इट का सेकंड पार्ट 2019 में आया, और मुझे बहुत से लोगों ने ये पूछा था कि यार ये पेनीवाइज की आवाज किसने दी है। सो ही इज मिस्टर त्रिलोक पटेल। क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगे? स्ट्रीट फाइटर खेले? तुम्हें बहुत पसंद है ना? डिज्नी के लाइव एक्शन अलादीन मूवी में एक ऐसा डोमिनेटिंग कैरेक्टर था जिसके लिए विल स्मिथ से बेहतर शायद ही कोई एक्टर होता जो जीनी जैसे ओवर एनर्जेटिक कैरेक्टर को निभा पाता, और उतना ही खूबसूरती से उसे हिंदी में डब किया है एक्टर एंकर वेरी टैलेंटेड बट अंडररेटेड वॉइस आर्टिस्ट मिस्टर मंत्रा ने। कुछ तो बड़ा बवाल करना पड़ेगा जीनी। ये तो बहुत बड़ी टोपी है। हाँ, टोपे पहनाने का हुनर है मुझमें, कुछ करना होगा, कर दूंगा ऐसा जादू टोना, पहना दूंगा 50 तोला सोना। अब बारी है टॉप 3 की। वेब सीरीज का माहौल जब से नेटफ्लिक्स ने इंडिया में लाया तब से एक इंडियन वेब सीरीज के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई, और इस वेब सीरीज को सिर्फ इंडिया में ही नहीं फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा सराहा गया, सैक्रेड गेम्स। और इस वेब सीरीज का मेन किरदार गणेश गायतोंडे, जो कि प्ले किया है नन अदर देन मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या नवाज ने खुद को आवाज नहीं दी है? हिंदी में हाँ, इंग्लिश में ना। इस फेमस किरदार को मिस्टर विनोद कुलकर्णी जी ने अपनी आवाज से नवाजा है। नंबर 2 पर है अर्जुन रेड्डी या कहे कबीर सिंह या आदित्य वर्मा। एक फिल्म दो रिमेक्स, लेकिन जिसका बोलबाला रहा वो फिल्म यानी कि ओरिजिनल अर्जुन रेड्डी भले ही 2017 में रिलीज हुई हो, लेकिन इसका हिंदी डब्ड वर्जन 2019 में रिलीज हुआ, और इसके मेन लीड को आवाज देने वाले और कोई नहीं
आपके फेवरेट मिस्टर संकेत मात्रे है। नो 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 नो, आई कांट बी अ ब्रदर, मेरी कोई बहन नहीं, नहीं है। तो पता नहीं वो इमोशन कैसा होता है, मैं इसे एडवाइस दे सकता हूँ अगर इसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो। शी विल बी जूनियर, आई विल बी सीनियर, ओके। और अब बारी नंबर वन की। आप में से बहुत से लोगों ने जो गेस किया है वो कमेंट में जरूर लिखना। और नंबर वन की पोजीशन पर है नन अदर देन आयरन मैन। 2019 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक था आयरन मैन्स डेथ, लव यू 3000 और टोनी स्टार्क। और आप लोगों को तो पता ही है इनकी आवाज किसने दी है। इस वीडियो पर क्लिक करके आप मिस्टर राजेश खट्टर जी का लाइव डबिंग वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी न्यू ईयर।